नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूँ स्वीटी दीक्षित। सियासी लड़ाई आदिवासी पर आई। जी हाँ, बाबूलाल मरांडी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनकी तरफ से बयान दिया गया है कि आदिवासी के लिए बीजेपी कार्य कर रही है। केंद्र की सहायता से बीजेपी लगातार कार्य कर रही है। झारखंड में आदिवासी समुदाय के लोगों का विकास जो है वो केंद्र की सहायता से ही किया गया है, बीजेपी की तरफ से ही किया गया। और ऐसे में सियासी लड़ाई अब आदिवासी पर होने वाली है। और इसी के साथ साथ बाबूलाल मरांडी ने दावा भी ठोका है कि जो लोकसभा की 14 सीटें हैं झारखंड में, उसको जीत दर्ज करती हुई अब बीजेपी ही नजर आएगी। और इसी के साथ ये दावे कितने खोखले हैं और कितने सच साबित होंगे, इसी पर हम चर्चा करेंगे। थोड़ी देर में हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे। और आपको बता दें कि केंद्र के माध्यम से ही भले आदिवासी समाज का यहाँ पे कल्याण किया जा रहा है, ये बाबूलाल मरांडी की तरफ से कहा गया। उनकी तरफ से ये कहना है कि यहाँ पे हेमंत सरकार जो भी घोटालेबाजी करती है उसकी जानकारियां दे दे और बता दे कि कहाँ का पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है। जो भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव किए, जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, तभी भारत विकसित भारत बनेगा। और इस दिशा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं और उसी काम का ही परिणाम आपने देखा होगा पिछले दिनों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, खास करके जो ट्राइबल क्षेत्र था उनमें से अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती इस बार। और सभी जगहों पर उन तीनों राज्यों में सरकार भी बनाने जा रही है। तो आप देश के जो आदिवासी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की ओर आशा भरी निगाहों से आप लोग देख रही है और भारतीय जनता पार्टी को साथ भी लोग आप दे रहे हैं, क्योंकि तो कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के 50-55 वर्षों तक राज किया, लेकिन गाँव तक सड़कें नहीं था, आदिवासी के घरों में बिजली नहीं था, फिर खाने के लिए लोग परेशान रहते थे, आप उनके लिए भी अनाज उपलब्ध करा रही है। आदिवासी घरों में गैस के कनेक्शन नहीं उपलब्ध थी, मोदी राज में, बीजेपी के राज में ये सारी चीज़ें आप उपलब्ध हो रहे हैं लोगों को। अब हम ये मानते हैं कि आने वाला कल झारखंड में भी वो परिणाम दिखाई देगा जब 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे। ऐसे ही झारखंड में पहले से ही यहाँ 12 सीटें हैं एनडीए गठबंधन को, लेकिन आने वाला कल हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं और लोगों की जो रुझान दिख रही है कि 14 में से 14 के 14 लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में जाएगी और विधानसभा का जब चुनाव होगा तो झारखंड में बीजेपी की सरकार भी बनेगी। क्योंकि झारखंड में तो जनता बिल्कुल आज की सरकार से लोग बिल्कुल तरस आ चुके हैं। सरकार ही हेमंत सोरेन लगता है झारखंड की जनता के लिए एक बोझ बन चुकी है। सरकार आजकल आपके द्वार है, लेकिन पिछले दिनों देखे, दो दिन पाकुड़ में और साहेबगंज में रहे, लेकिन उन आदिवासी गांवों तक वो नहीं गए जहां लोग मलेरिया से लोग पीड़ित थे, छोटे छोटे बच्चे मर रहे, लिट्टी पड़ा हो, सुंदर पहाड़ी हो, क्योंकि सुंदर पहाड़ी तो बरेड विधानसभा क्षेत्र में है। पहाड़ियाँ जहाँ रहते हैं, गाँव में जहाँ ट्राइबल रहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है। इन 4 वर्षों में चाहते तो सरकार बहुत कुछ कर सकती थी। तो आज जनता पूरी तरह से ही सरकार से लोग लूट से बचने के लिए, ऐसे लोग बोलते हैं ना, नदी में जब बाढ़ आता है तो जितना होता है सांप बिच्छू सब लोग एक साथ एक डाल में पेड़ में लोग चढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही पानी समाप्त होता है तो एक दूसरे के फिर भक्षक बन जाते हैं। तो इन लोगों के भी यही हालत है, एक दूसरे को आप देखते होंगे लड़ते रहता है भाई, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस है, वो आपस में लड़ते रहते हैं, बंगाल में उनके कोई एका नहीं है। उसी प्रकार से अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा था, सपा और कांग्रेस पार्टी की कितना बयानबाजी हुआ, अखिलेश यादव बाकी कोई दुनिया जानती है सबको भाई, यूपी में, बिहार में क्या है इन लोगों की स्थिति, तो सब दुनिया सब लोग जानता है, पूरा देश की जनता जानती है, इन लोगों को पहचानती है एक दूसरे को। ये लोग कोई बीजेपी के कारण नहीं, अपने कारण ही लोग लड़ते रहते हैं। पंजाब में कांग्रेस है और फिर केजरीवाल है, उन लोगों की लड़ाई
जग जाहिर है। माने एक जगह एक दूसरे को बेईमान कहते हैं और एक जगह आकर के एक दूसरे को मित्र बोलते हैं। तो जनता तो देख रही है ना कि भाई ये लोग सचमुच में मित्र है कि एक दूसरे के ये लोग दुश्मन। तो ऐसी स्थिति में जनता के सिरे क्या चढ़ेगा? ये उठ के आ रहा है बाबूलाल मरांडी का वो बयान आप सुने थे, उनकी तरफ से कई बड़ी बातें कही गई और ऐसे में हेमंत सरकार पे भी कई आरोप लगाए गए। चर्चा में आगे बढ़ेंगे लेकिन वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, चल लौट रहे हैं। चौबीस के चुनावों में क्या आदिवासी मुद्दा रहने वाला है? क्योंकि बाबूलाल मरांडी तो दावे कर रहे हैं, उसमें कितनी ठोस है और कितने वो दावे खोखले हैं, इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, विकास सिंह कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक कुमार वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुछ ही देर में राजेंद्र सिंह बीजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं दीपक जी आपके पास आना चाहूंगी, जो दावे यहाँ पे बाबूलाल मरांडी कर रहे हैं क्या लगता है, कितने खड़े उतरेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूंगा मैडम कि जो ये जो आदिवासियों का विश्वास जो बीजेपी पे बढ़ा या बीजेपी जो दावा कर रही है, ये अभी जो चुनाव जो आपके छत्तीसगढ़ में हुआ, जिसमें कि जो बस्तर का जो विधानसभा क्षेत्र है, 8 विधानसभा क्षेत्र है बस्तर में, जिसमें कि जहां पे कांग्रेस 8 पे थी और बीजेपी जो है 4 पर थी, वहाँ आज बीजेपी 8 विधानसभा सीटों में सीट पे उन्होंने बढ़त बनाया है। उस क्षेत्र में जहाँ पे कि ये एक कोर इलाका है छत्तीसगढ़ का, तो आदिवासी के क्षेत्र में बीजेपी ने लंबे समय के बाद जो बढ़त बनाई है, यही इसे यहाँ यह बात आई है सामने कि आदिवासियों का बीजेपी के प्रति भरोसा बढ़ा है। तो जहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी होती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज देखने के लिए मिलता है। और इस 2023 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह बीजेपी को अप्रत्याशित सफलता तीनों राज्यों में मिली है, जहाँ की एग्जिट पोल में बताया जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बच जाएगी लेकिन नहीं बची, तो ये इसी चीज का है कि आज बीजेपी को भी लग रहा है कि झारखंड भी एक आदिवासी बहुल राज्य है। तो यहाँ पर हमारे 14 में से 12 लोकसभा सीट पे हमने अपना कब्जा जमाया है, तो ये जनादेश 324 का है। तो हमें नहीं तो दीपक जी लग रहा है और वास्तव में होना दो बड़ी चीजें हो जाती हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि बाबूलाल मरांडी जो जिस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, सभी जानते हैं कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद वो उन्होंने जेबीएम बनाई और रिसेंटली अभी ये जो है भाजपा ज्वाइन किए हैं। लेकिन जिस तरह की बातें वो आज हेमंत सरकार के बारे में बोल रहे हैं, जब वो जेबीएम में थे तो यही बातें वो रघुवर सरकार के बारे में भी बोलते थे। हम निश्चित है कि वो झारखंड के बड़े आदिवासी चेहरे हैं, भाजपा आज उनको अपने साथ लेके चल रही है, वो भी भाजपा के साथ चल रहे हैं। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि झारखंड के आदिवासी का पूरा विश्वास 2024 में जो है भाजपा जीत ही लेगी। अगर जीत लेती तो 2019 में सत्ता से बेदखल क्यों होती? ठीक है, हमारे साथ विकास सिंह जी भी बने हुए हैं। विकास जी देखिए, ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि आप लोग ने आदिवासी के लिए कोई कार्य किया ही नहीं है,
क्या लगता है जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी यहाँ पे सच्चाई नजर आ रही है? और दूसरी चीज ये भी कहा गया है कि आपके पास जो संपत्ति है उसका लेखा देखा दीजिए। देखिए मैडम, सबसे पहले आपके चैनल को नमस्कार प्रणाम। बाबूलाल जी को पहला मौका मिला था झारखंड में, झारखंड के आदिवासियों का हित को बनाने के लिए, उन आदिवासियों का समस्या को समाधान करने के लिए, यहाँ के मूलवासी ग्रामीण और जो भी यहाँ के दलित पिछड़े वर्ग थे उनको मौका मिला था कि वो उनका प्यार को पा सके, उनके सम्मान को पा सके। लेकिन बाबूलाल जी ने भी वो रोल नहीं निभा। इन्होंने अपने केंद्र के नेतृत्व को देखा और यहाँ के मूल सुविधाओं से आदिवासियों को, मूलवासियों को वंचित रखा। इसीलिए बाबूलाल जी का ये दावा कहीं से नहीं बनता है कि हम आदिवासी मूलवासी के ही हैं। रही बात हमारे अभी वर्तमान सरकार की, तो पहले भी हमने बताया है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा शासन भाजपा का, भाजपा नेतृत्व किया है, चाहे अर्जुन मुंडा हो चाहे आपका बाबूलाल जी हो, ज्यादा उन्हीं का सबसे ज्यादा शासन रहा है यहाँ पे। बीच में हमारे रघुवर जी आए, रघुवर जी को भी बाबूलाल जी ने बहुत ज्यादा कोसा है। इसीलिए बाबूलाल जी ये नहीं बोल सकते हैं कि हम आदिवासी के बड़े चेहरे हो सकते हैं, क्योंकि आदिवासी का विश्वास उनसे उतरा हुआ है। एक चीज आप जानते हैं, हमारा झारखंड है, संथाल परगना है, यहाँ पे विश्वास बहुत मुश्किल से कायम होती है। जो जिसका सबसे बड़ा कारण ये भी रहा, आज तक सरकार किसी की भी रही संथाल परगना में कोई छेद नहीं कर पाया, और संथाल परगना हो छोटा नागपुर हो, आर भी हेमंत सोरेन का आपको पता होगा कि हमारे झारखंड में अभी स्थानीय नीति ओबीसी नीति को लेके भाजपा विधायक, कांग्रेस विधायक, आरजेडी या तमाम दल बोल दीजिए, 81 में से 78 विधायक ने स्थानीय नीति को लेके विधानसभा में हस्ताक्षर करके राज्यपाल को भेजा। तो आपकी सरकार ने आदिवासी समुदाय के लिए कौन कौन से कार्य किए हैं, उनकी प्रगति के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं ये बता दीजिए। देखिए, जैसे आदिवासी का ही बात हम लोग, हमारी सरकार नहीं करती, आदिवासी मूलवासी की बात करती है। हम लोगों ने 1932 लागू करने के लिए विधानसभा से पारित कराया कि जिसमें इनके ही सत्ता पक्ष के, भाजपा के ही सत्ता पक्ष के, जब हमारे विधानसभा में टोटल 81 विधायक है और 78 विधायक सहमति देती है कि नहीं झारखंड में 1932 की आरक्षण लागू होनी चाहिए, झारखंड में ओबीसी आरक्षण जो 27% है वो लागू होना चाहिए, स्थानीय व्यक्ति को 75% प्राइवेट सेक्टर में रोजगार मिलनी चाहिए, इसको लेके झारखंड विधान कैबिनेट जब पारित करते हैं इस बात को, तो फिर आप जान ही रहे हैं कि जिस राज्य में अगर आप विपक्ष में हैं, हमारी सरकार है झारखंड में, तो केंद्र में जिसकी सरकार है उसी उसी के पार्टी के व्यक्ति राज्यपाल बनते हैं। और दुर्भाग्य हमारे यहाँ की 2 बार राज्यपाल के पास से बिल वापस हो गया, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है। क्योंकि सबसे बड़ी बात आपको मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, हमारे झारखंड में जितने भी सांसद हैं उसमें 3 सांसद को आप छोड़ दीजिए, बाकी बात टोटल सांसद झारखंड के बाहरी हैं। ये दुर्भाग्य है झारखंड के साथ, मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल, दुर्भाग्य झारखंड के साथ कि लोकसभा में हमारे झारखंड, झारखंड बिहार से अलग हुआ था झारखंड के हित के लिए, झारखंड के हित के लिए, और झारखंड का हित अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि लोकल बॉडी मेरे पास नहीं है जो लोकसभा में प्रधानमंत्री के सामने मेरे हमारे आवाज को उठा सके। अगर आज के डेट में अगर झारखंड, मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कार्य भेजे जा रहे हैं लेकिन राज्यपाल द्वारा मंजूरी नहीं दी जा रही है। हाँ प्लीज, और मेरा बात को समझा जाए, भेजे जा रहे हैं लेकिन राज्यपाल द्वारा मंजूरी नहीं दी जा रही है। दीपक कुमार जी, क्या लगता है कितनी सच्चाई है वाक्य में ऐसा है? ऐसा मैडम, केस देखिए, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि जब केंद्र में किसी अन्य पार्टी की सरकार हो और राज्य में जस्ट उसके उलट सरकार हो तो यहाँ पे जो राज्यपाल का जो रोल होता है, हालांकि राज्यपाल को तो कई डिस्क्रिशनरी पावर संविधान ने दिए हैं जिसको विशेषाधिकार कहते हैं, लेकिन इस बात को हम लोग सभी जानते हैं, आप भी मैडम जानते हो कि राज्यपाल को होम मिनिस्ट्री के द्वारा जो है अपॉइंट किया था, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, वो होम मिनिस्ट्री के अंदर चलते हैं, तो वहाँ केंद्र में बैठे हुए जो केंद्र के सत्ताधारी हैं कहीं ना कहीं उनके बातों से राज्यपाल हट करके नहीं है। ये बात सही है कि यहाँ पे डोमिसाइल का स्थानीय नीति के मामले को विधानसभा में पास करके राज्यपाल के पास भेजा गया,
राज्यपाल ने उसको भेजा, लेकिन वहां पे जो है केंद्र ने स्वीकार नहीं किया या केंद्र के पास वो अभी तक पड़ा हुआ है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कि राज्य से निकलते हैं और राज्यपाल का उस पर सपोर्ट नहीं मिलता। ये हालांकि किसी सरकार में नहीं हो रहा, ये पहले से भी होता रहा। तो यहाँ पे जो है बहुत कम ऐसे से राज्यपाल का सपोर्ट मिलना चाहिए, और क्योंकि ये केंद्र और राज्य का संबंध ही ऐसा है। लेकिन जब बात हो जाती है कि जब दोनों पार्टी की सरकार राज्य में भी हो और आपके केंद्र में भी हो, तो डबल इंजन की सरकार से भाजपा करती है, तो वहां पे बहुत सारी बातें जो है वो खुल करके सामने आ जाती है। ये दिक्कत है तो सभी जगह। दीपक जी मैं आपका इस बात पे एक बात पे कटाक्ष करूंगा कि हमारे स्थानीय जितने भी विधायक थे। जी बिल्कुल दीपक जी और विकास जी, आप दोनों के अपने अपने रुख है और ऐसे में देखना होगा 2024 के चुनाव में क्या कुछ निकल के सामने आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो अब क्या जो लड़ाई होने वाली है 2024 में, जो चुनाव होने वाला है, वो आदिवासी के मुद्दे पर होगी? आदिवासी के मुद्दे पर क्या बीजेपी झारखंड में चुनाव लड़ेगी, अब देखना होगा आने वाले चुनाव में क्या कुछ निकल के सामने आता है। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही, खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया को।